मोटो व्लॉगिंग हमें कैसे करना है, कौन से टॉपिक्स को पिक करना है और मोटो व्लॉगिंग में खासकर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, तो सारा कुछ इस टॉपिक में आज डिस्कस होगा। मैंने शुरुआत करी थी अपने घर की TVS XL 100 से और आज रिसेंटली मैंने N160 खरीदी है। गाइस, अब जब आपके पास बाइक आ चुकी है तो आपके पास कैमरा का होना जरूरी है, और कैमरा मतलब ये नहीं कि आपके पास GoPro ही हो। अब गाइस, आपके पास बाइक और कैमरा आ चुकी है बट आपके पास टॉपिक नहीं है, तो टॉपिक के लिए सिंपली आप इतना ही समझ लीजिए कि मोटो बाइक जब आपके पास है ना तो टॉपिक खुद ब खुद आपके पास आ ही जाते हैं। वही तो, कैसे यात्रों के जाने वालों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और कुछ ऐसे लोकेशन पर आया हूँ, आपको हर बार मैं नए नए लोकेशन दिखाते जा रहा हूँ। एक बार देखो यार, कितना सुंदर एक माहौल है। सो इस माहौल में मैं अपनी इंट्रो शूट करने के लिए आया हूँ। अपनी N160 यहाँ है और आज का जो टॉपिक है, आपको टाइटल और थंबनेल से पता चली गया होगा कि मोटो व्लॉगिंग हमें कैसे करना है, कौन से टॉपिक्स को पिक करना है और मोटो व्लॉगिंग में खासकर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, तो सारा कुछ इस टॉपिक में आज डिस्कस होगा। बट वो गाइस, जितनी भी बातें होंगी ना, वो सारी बातें मैं आपको मोटो व्लॉगिंग करते हुए बताते जाऊंगा। तो ठीक है, तो गाइस फटाफट अभी यहां से निकलते हैं और आपसे सीधा मोटो व्लॉगिंग सेटअप में मिलते हैं, चलो। और गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है इस ब्यूटीफुल प्लेस से। आपने काफी सारे वीडियोस में देखा होगा, मतलब जितना भी दिखाऊं ये प्लेस यार मेरा मन ही नहीं भरता, क्योंकि प्लेस है ही कुछ ऐसा। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। और गाइस, इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मोटो व्लॉगिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं। गाइस, आज का टॉपिक है मोटो व्लॉगिंग कैसे करें और मोटो व्लॉगिंग के लिए टॉपिक्स कहां से लाएं, मोटो व्लॉगिंग की शुरुआत कैसे करें, आखिरकार मोटो व्लॉगर बने तो कैसे बने। तो देखिए यार, इसके लिए पहले तो आपके पास एक बाइक होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई बाइक आपके पास बहुत कॉस्टली बाइक हो, कोई सा भी बाइक हो चलता है। मैंने शुरुआत करी थी अपने घर की TVS XL 100 से और आज रिसेंटली मैंने N160 खरीदी है। सो अब जब ये खरीदी है तो XL में वीडियो नहीं बन रही है, क्योंकि XL में यार तकलीफ बहुत होती थी, बट मैंने आपको कभी कहा नहीं कि मुझे तकलीफ कितनी हुई एक्सेल में वीडियो करते हुए। तो यार बाइक का होना जरूरी है, ठीक है ना। फिर जब आपके पास बाइक हो जाएगी तो यार कैमरे की बात आती है। तो देखो, कैमरा तो मैं फोन यूज करता हूँ। गाइस, अब जब आपके पास बाइक आ चुकी है तो आपके पास कैमरा का होना जरूरी है। और कैमरा ऐसा नहीं कि आपके पास GoPro ही हो, आप कोई से भी कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टार्टिंग में। अभी जो आप ये मोटो व्लॉग देख रहे हो ना गाइस, ये फुल्ली एक फोन से रिकॉर्डेड है। मैं फोन से ही मोटो व्लॉग बनाता हूँ, इसी में नॉर्मल व्लॉग्स भी बनाता हूँ, इंस्टाग्राम रील्स भी रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब ये फोन में मैं मल्टीपल काम करता हूँ। तो गाइस, फोन से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका बजट हाई है तो भाई आप GoPro ले सकते हो, अगर नहीं है तो आप कोई सा भी फोन हो जिसका वाइड एंगल कैमरा अच्छा हो, OIS हो, मतलब स्टेबिलिटी ठीक ठाक हो, तो आप उससे स्टार्टिंग में काम चला सकते हैं। जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करते जाएगा, आप धीरे धीरे करके GoPro खरीद लेना। अब गाइस, आपके पास बाइक और कैमरा आ चुकी है बट आपके पास टॉपिक नहीं है, तो टॉपिक के लिए सिंपली आप इतना ही समझ लीजिए कि मोटो बाइक जब आपके पास है ना तो टॉपिक खुद ब खुद आपके पास आ ही जाते हैं। तो देखो, बाइक रिलेटेड टॉपिक आप बना सकते हो, बाइक में मॉडिफिकेशंस के टॉपिक, बाइक में आप ग्राफिक्स चेंज करा रहे हो, बाइक में आप नए नए लुक्स दे रहे हो। जैसे रिसेंट ब्लॉग में आपने देखा था कि इस हैंडल बार को मैंने चेंज किया था, तो ऐसे टाइप के जो भी टॉपिक्स हैं ना गाइस, उन टॉपिक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि गाइस आपके पास कैमरा हो गया, बाइक हो गया तो सीधा लद्दाख चल दिए, भाई ये गलती मत करना। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप व्लॉगिंग स्टार्ट करना, फट से अगर बड़ा काम कर दोगे ना तो भाई फंस जाओगे। फिर लद्दाख से रिटर्न आने के बाद नॉर्मल व्लॉग्स जब आप बनाने लगोगे ना तो ऑडियंस हो जाएगी आपकी बोर, फिर आपका चैनल हो जाएगा डेड। तो ये गलती मत करना, धीरे धीरे करके आप राइड स्टार्ट करो, शॉर्ट राइड के व्लॉग्स बनाओ, लॉन्ग राइड्स के व्लॉग बनाओ, ऐसे सुंदर नज़ारों को आप एक्सप्लोर करते जाओ। आपके घर के आसपास जितने भी सुंदर नज़ारे हैं, जो भी प्लेसेस हैं अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, जो लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए, उन प्लेसेस पर जाओ, एक्सप्लोर करो, नए नए वीडियोस बनाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोटो व्लॉगिंग ही बनाओ। अगर आप किसी सिटी से बिलोंग करते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े बाइक के शोरूम्स होते हैं, सुपर बाइक के शोरूम होते हैं, नॉर्मल बाइक्स के, ऐसे बाइक के भी शोरूम होते हैं। तो कोई सा भी शोरूम जाओ, नया बाइक जब लॉन्च हो उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ, नहीं तो टेस्ट राइड वाली वीडियो बनाओ, मतलब आप मल्टीपल काम स्टार्टिंग में कर सकते हो। फिर छोटे छोटे राइड के वीडियो बनाओ, उसके बाद बाइक मॉडिफिकेशन वाले जितने भी शॉप होते हैं वहाँ जाकर के मॉडिफिकेशन के वीडियोस बनाओ। मतलब आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं स्टार्टिंग में, तो उसी से आप मोटो व्लॉगिंग के टॉपिक्स ढूंढना। हेलमेट और बाइक गियर्स के जितने भी शॉप हैं वहाँ जाकर के विजिट करो, जाओ लोगों को डिटेल्स दो, अच्छे अच्छे हेलमेट्स के रिव्यू करो, अच्छे अच्छे गियर्स को दिखाओ। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके आप एक लॉयल ऑडियंस को बिल्ड करोगे शुरुआत में। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका जर्नी। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे थोड़े से लंबे लंबे राइड। जैसे मान लो 150, 200, 300 किलोमीटर वाले जो राइड होते हैं ना गाइस, एक दिन ठहरने वाले, कहीं आप 2 दिन ठहरे, फिर 3 दिन ठहरे,
ऐसे करके धीरे 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 करके आप एक ऑडियंस बिल्ड करोगे एंड देन आपका चैनल फिर लॉन्ग राइड के लिए रेडी हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे करके 500, 600, 1000 किलोमीटर वाले राइड स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद आप कोई सा भी राइड स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी असम राइड को चूज़ किया है। अपर असम को खास करके मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो गाइज मैंने भी असम को 3 भाग में डिवाइड किया है। मैं पहले तो यार अपर असम को एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद एक्सप्लोर करूँगा नॉर्थ, सेंटर और बोराक वैली एंड देन लास्ट में लोअर असम। तो मेरे 3 सीजन आने वाला है असम राइड के ऊपर। सोचो इतना छोटा स्टेट, फिर भी मैंने 3 सीजन सोच के रखे हैं। आप नए नए टॉपिक्स ढूंढते रहो, आप नए नए टॉपिक के ऊपर काम करते रहो, तभी यार आपके सब्सक्राइबर भी गेन होंगे, आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा, आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा, आपको पैसे भी मिलने लगेंगे, स्पॉन्सरशिप भी मिलने लगेंगे। तो आप धीरे धीरे करके ये काम स्टार्ट कर दो। मैं जो कर रहा हूँ आपको बस वही बता रहा हूँ, आप इतना ही समझ लो। आपका भाई जो कर रहा है, बंदा जो कर रहा है, आपको बस उतना ही बता रहा है। आपको ब्लाइंडली ये चीज को फॉलो करना है। अगर आप इनिशियल स्टेज में एज ए मोटो व्लॉगर यूट्यूब में काम करो या फिर आप मोटो व्लॉगिंग करने की सोच रहे हो, तो ये काम मैंने जो बताया ये आप जरूर से करो। इसके बावजूद आप सुपर बाइक के ऊपर भी ब्लॉग बना सकते हो। अगर आपका कोई जान पहचान का सुपर बाइक ऑन करता हो, या फिर अगर आपके सिटी में या फिर टाउन में कहीं संडे राइड होता हो सुपर बाइक के, 500-1000 सीसी के जो भी बाइक होते हैं, उन बाइक के ओनर जो भी होते हैं गाइज, उनके ऊपर वीडियो बनाओ। गाइज लकीली अगर सुपर बाइक वाला बंदा आपका दोस्त है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, आप सुपर बाइक के साथ बहुत सारे वीडियोस बना सकते हो। सुपर बाइक के ऊपर नॉर्मल राइड के वीडियो भी चलते हैं भाई। सुपर बाइक बोले तो भाई जन्नत यार, सुपर बाइक में मतलब टॉपिक की कमी कभी नहीं होने वाली। तो यार कुछ ऐसा होता है मोटो ब्लॉगिंग टॉपिक के ऊपर, तो आप बिल्कुल से इन बातों को ख्याल करो, इन बातों को अप्लाई करो अपने चैनल में, तो देखना धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव करोगे। सीधा ऐसा नहीं कि आप मतलब नॉर्मल सा एक बाइक चला रहे हो, सीधा पप्पा से बोलकर मम्मी से बोलकर के एक सुपर बाइक खरीद लिए, भाई ये गलती मत करना। नॉर्मल बाइक से आप कभी भी 1 से जंप करके 5 में मत जाना, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके जाना, तभी आप सक्सेस बन पाओगे यूट्यूब में। अगर आप मेरे जैसे फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो भाई आप सच में डिप्रेशन में चले जाओगे। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो शुरुआत में यार गोप्रो खरीद देते हैं 40-50 हज़ार का, फिर उसको यार 10-10, 20-20 हज़ार में बेच देते हैं, यार उनका चैनल नहीं चलता, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये गलती आप मत करना। जो आपके पास है घर में, पापा का बाइक है, मम्मी की स्कूटी है, भैया का बाइक है, कोई भी है, मोपेड है, एक्सेल 100 है, मैंने तो यार एक्सेल 100 से स्टार्ट कर दी, जो भी घर में पड़ा है एक्टिवा है, उठाओ मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। बट हाँ गाइस, नए नए टॉपिक्स और नया नया चीज़ हमेशा लाते रहना, इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, चाहे आपकी लैंग्वेज की हो, चाहे आपके बोलने का तरीका हो, चाहे आपका व्लॉग का एडिटिंग हो, चाहे आपका होल व्लॉग का रिप्रेजेंटेशन हो, सब में इम्प्रूवमेंट आना जरूरी है, अपग्रेड करते रहना जरूरी है। तो बस इतना ही अपने माइंड में बिठाओ और धीरे धीरे करके स्टार्ट करो। इसके ऊपर इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ ज्ञान हुआ, नया चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया, नया कुछ मुझे पता चला, तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मुझे अभी तक पता चला है, उतना मैंने आपके साथ शेयर किए। एंड आई होप गाइस इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा है और आगे भी आप इसी तरह सीखते रहोगे। मैं आपको जितना हो सके गाइड करने की कोशिश करता रहूँगा, अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अच्छे अच्छे जो सीन्स है आपको दिखाता रहूँगा। और गाइस इसी तरह आप भी मुझे प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना, क्योंकि आपके प्यार एंड सपोर्ट के बिना मैं ना तो कभी कुछ था, ना मैं हूँ और ना मैं कभी रहने वाला हूँ। तो आपका भाई यात्रम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा है। मिलेगा आपका भाई यात्रम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने चारों ओर जितना हो सके साफ सफाई रखिए, और गाइस अपना ख्याल जरूर रखिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।